चंदौली में सपा नेता अंकित यादव की पत्नी की ऑनर किलिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बता दें कि 9 नवंबर को ही सपा नेता ने प्रीति नाम की युवती से रजिस्ट्रार के यहां शादी की थी। आरोप है कि लड़की के माँ बाप ने उसे सामाजिक सम्मान का हवाला देकर घर बुलाया और 29 नवंबर को उसकी हत्या कर शव को गायब कर दिया। इस पूरे मामले में अलीनगर थाने में FIR दर्ज की गई है। वहीं सपा नेता अंकित यादव ने बताया कि उसकी पत्नी प्रीति मेडिकल की तैयारी कर रही थी और बीते 5 साल से उसका और प्रीति का प्रेम प्रसंग चल रहा था। प्रीति के पिता महेंद्र यादव पुलिस विभाग SIMT पद पर तैनात हैं। लड़की के पिता और उसके परिजन लड़की के फैसले से नाखुश थे और लगातार प्रीति को अंकित से अलग होने के लिए दबाव बना रहे थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं तो परिजनों ने लड़की की शादी तय कर दी, जिसका विरोध कर लड़की ने अंकित के साथ भागकर शादी कर ली। अंकित ने बताया कि परिवार के विरोध के बाद दोनों ने 9 नवंबर को सारी कानूनी प्रक्रिया पूरी कर शादी कर ली और एक साथ रहने लगी। लड़की के परिजनों को पता चला तो उन लोगों ने पहले धमकी देनी शुरू की, बाद में घर बुलाने का दबाव बनाने लगे और कहा कि घर में विधि विधान से शादी कराएंगे। देखिए सर, हम एक लड़की थी प्रीति यादव, उनसे हमारा 4-5 सालों से प्रेम का संबंध था और हम लोगों ने परिवार के खिलाफ जाकर 9 नवंबर को कोर्ट मैरिज कर लिया, शादी कर लिया हिंदू रीति रिवाज से। उसके बाद हम दोनों एक साथ रह रहे थे, तो फिर प्रीति के पापा का मम्मी का प्रस्ताव आया कि हम लोग की अरेंज मैरिज कराएंगे। तो इसी बात को बार बार प्रीति पे दबाव बना रहे थे, तो प्रीति को 23 नवंबर को उसकी मम्मी दबाव बना के उसको अपने पास धोखे से बुला ली और 29 नवंबर को उसकी हत्या करके उसकी लाश गायब कर दी गई। और उसके बाद हमने प्रशासन से शिकायत किया तो मुकदमा लिखाया है, लेकिन उसके बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है और लगातार हमको धमकी मिल रही है जान से मारने की कि हम लोग प्रीति को मार दिए तुमको भी मार देंगे, लगातार मेरे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। कब से रिलेशन में थे आप लोग? हम लोग पिछले 5 सालों से रिलेशन में थे। वहीं मायके जाने से पहले प्रीति यादव ने 23 नवंबर को एक पत्र अंकित के पास छोड़ गई कि अगर उसके साथ कोई अनहोनी होती है तो उसे हत्या समझा जाए। सपा नेता अंकित यादव ने अपनी पत्नी प्रीति द्वारा लिखित अंतिम खत फेसबुक पर सार्वजनिक भी किया है, साथ ही पुलिस प्रशासन से न्याय की उम्मीद भी जताई। सपा नेता अंकित यादव का कहना है कि उसे अब जान से मारने की धमकी दी जा रही है। देखिए, 2/12/2020 को अलीनगर थाने पर अंकित यादव पुत्र राम सुंदर यादव, जो अलीनगर वार्ड नंबर 9 का रहने वाला है, उसके द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया कि उसकी पत्नी प्रीति यादव को उसके मायके वालों ने हत्या कर लाश गायब कर दिया है, क्योंकि प्रीति यादव और अंकित यादव ने उनके परिजनों के विरोध जाकर शादी कर ली थी, कोर्ट मैरिज कर ली थी। इस संबंध में मुकदमा थाना अलीनगर पर 258/20 पंजीकृत किया गया है, धारा 302-201, जिसमें कार्रवाई प्रचलित है, विवेचना जारी है। जानकारी में अब तक यह आया है कि प्रीति यादव जो लड़की है उसकी शादी कहीं और तय हुई थी और अंकित यादव से उसका अफेयर था, अंकित ने वो शादी तुड़वा दी जहां उसकी शादी तय हुई थी वहां बात करके, और फिर लड़की ने अपनी मर्जी से अंकित यादव के साथ उसके घर रहने लगी। बहरहाल पुलिस ने पूरे मामले में लड़की के माँ बाप समेत 7 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। पंजाब केसरी TV के लिए चंदौली से प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट।